लिए है बचर सना के लिए, सना बचर के लिए है बचर सना के लिए, तमाम हम्द सदावार है खुदा के लिए, अता के सामने जिक्र ही क्या के तू अता के लिए है बचर खता के लिए।
98.2। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZU FM 98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZU FM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZU FM 98.2। पयामे जुस्तजू। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। This is Morning Vibes with me। आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेस, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। सो घुनो, बहुत हुआ घुन्नापन, बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोजाना। नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, वेलकम कहेंगे। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीकेकार है पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में। करना क्या है आपने, आपने वही फेसबुक की आईडी आप इस्तेमाल करनी है जो आप सारा दिन रात इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक पर जाकर लॉगिन करने के बाद सर्च करेंगे ZU FM 98.2, साथ ही साथ सैयदा फरहाना अली, ठीक है। तो दो पेजेस नजर आएंगे, उन दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @RJFarhanaOfficial। सो वहां पर भी मेरा अकाउंट नजर आएगा, उस अकाउंट को भी जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको नजर आएगा ट्विटर। सो ट्विटर पर जाकर सर्च करेंगे @SayyedaFarhanaAli। थोड़ा सा और आगे जाएंगे नजर आएगा यूट्यूब, यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे SayyedaFarhanaAli। सो हर जगह फॉलो कर लीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे शोज वहां पर अपलोडेड हैं। और जो शोज आप यहां से मिस कर चुके हैं, यानी कि वो फेसबुक से डिलीटेड हैं, तो आप वहां पर जाकर मेरे शोज को सुन सकते हैं, राइट। सो अगर आप शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, बहुत ही इजीली आप जो है हमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बहुत ही आराम से सुन सकते हैं। गो की दुनिया गोल है, बस आपने क्या करना है, आप पे में आना है, आप पे में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको।
सो फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, जयउद्दीन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सुन सकते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का लिंक मौजूद है वहां पर सुन सकते हैं। और कोई जगह है कि इतनी तो आसानियां कर दी आपके लिए, मतलब अब भी कोई बहाना ढूंढेंगे ना सुनने का हमारा शो, दिस इज एक्चुअली नॉट फेयर ना। तो चलें जी एक ट्रैक आपको सुनवाते हैं, और ट्रैक मस्ट बी विच वन, सो सर्च करना, और यू नो एक काम ये करना कि कौन सा ट्रैक प्ले करें, बड़ा मुश्किल काम है ना। सो हम आपको सुनवाएंगे, चलें आसिम अजहर के सॉन्ग से स्टार्ट लेते हैं, और उसके बाद फिर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, राइट। सो ट्रैक कौन सा होना चाहिए, ओके चलें जी, हम एक काम करते हैं, हम ना आज कोक स्टूडियो का ये वाला ट्रैक सुनते हैं, वापस आएंगे इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना, क्योंकि अगर आप कहीं भी चले गए तो आपने इतना कुछ मिस कर देना है हमारे शो से, बाद में पछताना है, तो हम नहीं चाहते कि आप पछताएं, तो इसलिए आपसे कहते हैं कि आपने पछताना नहीं और कहीं जाना नहीं है। स्टे ट्यून, राइट, वेलकम बैक, बिल्कुल वापस आ चुके हैं, एंड इट्स 22 मिनट्स पास्ट 9 ऑन द डायल राइट नाउ। और इस गाने ने ना मुझे बोर कर दिया मैंने प्ले कर दिया क्योंकि मुझे सामने नजर आया, बट इसने मुझे बोर कर दिया है। ये सैड सॉन्ग, मतलब लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं ये सैड सॉन्ग्स, मुझे समझ नहीं आता, मैं तो बोर हो गई। और भारी आगाज नहीं है, बस सामने सॉन्ग नजर आया, अभी दमीर तो मैंने प्ले कर दिया और बता तो दिया, इतना बोरिंग लगा मुझे, आप लोग भी ना। सो चलें जी, आज के टॉपिक्स आपको बता देते हैं कि क्या दो टॉपिक्स हैं, एक लाइन आप कंप्लीट करेंगे पहले। सो लाइन ये है कि कसूर बस इतना सा है कि व्हाट, कसूर बस इतना सा है क्या कसूर है आपका। सो आपने इस लाइन को कंप्लीट करना है, साथ साथ आपने बताना है आजकल अकलमंद कौन है, भाई आपकी नजर में कौन है आजकल अकलमंद, ये भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे, राइट। सो फेसबुक पर जाकर सर्च करेंगे ZUFM 98.2 और सैयदा फरहान अली, दो पेजेस नजर आएंगे, उन दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और वहां पर आपने बताना भी है, टॉपिक पर बात करनी है, और इधर उधर की बातें तो आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आप इधर उधर की बातें करते रहते हैं, राइट। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @RJFarhanOfficial। चले भाई, क्या चल रहा है जरा हम देख लेते हैं। मुल्क में जो है वो 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड्स जो है वो जारी किए गए हैं, ये देखें जरा, 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड, मतलब कितने ईमानदार है ना हम लोग, इतने ईमानदार, वाह वाह क्या बात है, मतलब ईमानदारी के तो मतलब कोई लेवल ही नहीं ऐसे ही थोड़ी ना 162वें नंबर पे आते हैं ईमानदारी में। भाई कोरोना की वबा फैल रही है, मजीद 25 अफराद जो है जा बहक हो गए हैं, मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 3.65% रिकॉर्ड की गई है 24 घंटे में, जो है वो जो तशखीस के लिए टेस्ट किए गए हैं वो 47,528 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से मुस्बत केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो देखिए एहतियात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चीनी दोबारा जो है वो महंगी हो गई है, 105 रुपए किलो जो है वो चीनी के रेट अब मेरे ख्याल से होंगे जी। चीनी और घी की दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ है। ज़िलहज का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास जो है वो किया जाएगा,
आज या कल तलब कर लिया गया, वो कह रहे हैं आज आ जाए कल आज. नहीं मजाक कर, ऑफ कोर्स नॉट. आज तलब किया गया है. और इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग है ना, इन्होंने क्या किया है कि फेसबुक के मुलाजमीन के लिए एक नया शहर तामीर करने का ऐलान कर दिया इन्होंने. देखें भाई, अब वो अपने एम्प्लॉयज के लिए एक अलग से शहर तैयार करेंगे, एकदम अलग. और साथ ही साथ दुनिया के सबसे बड़ी स्मार्टफोन सास कंपनी का पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ऐलान है. यानी कि अब पाकिस्तान में जो है वो प्रोडक्शन होगी स्मार्टफोन्स की. फिर प्रोबेबली जो है वो सस्ते हो जाएंगे फोन. जब जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ आपकी होम प्रोडक्शन होती है तो फिर उसकी कॉस्ट भी कम होती है. गर्मी के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर है. वैसे गर्मी तो नहीं है, मुल्क भर में मानसून की बारिशों की पेशगोई कर दी गई है. मौसम बड़ा सुहाना है, मतलब इस हफ्ते तो मौसम क्या औसम रहा है भाई, क्या बात है. जिन लोगों का मूड खराब होगा उनका भी मूड ठीक हो जाएगा, ऐसा मौसम है. पहला वनडे इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है. और पहले वनडे में ही जो है वो यू नो बस इसलिए नहीं देखती मैं क्रिकेट, असल वजह ही है, मजा नहीं आता मुझे. हाँ बात ठीक है, किसी एक को ही जीतना है, लेकिन इतनी अनप्रिडिक्टेबल टीम जब हो ना तो फिर मजा नहीं आता मैच देखने का. बंदा फिर कहीं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच देख ले, या तो फिर देखे ही ना. ऐसे लोग दार है ये. लोग तो फौरन फतवे लगा देते ना कि भाई पाकिस्तान का मैच नहीं दिख रहे, इंडिया का और इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने में मजा आ रहा है. तो हमें तो मैच देखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए सीधा सीधा भाई क्रिकेट वाले हम हैं ही नहीं. पहले जब मैं छोटी थी तो ये टेस्ट मैचेस हुआ करते थे, तो जब मैं अजीब मैं देखती थी मेरे भाई जो है ना ये टेस्ट मैचेस बड़े शौक से देखा करते थे. क्या ये तुम लोग को अजीब नहीं लगता देखते देखते, ये क्या है, ये सब एतवर्दियाँ पहन के आ जाते हैं मुंह पे चौक लगा के. वो जो है वो सन ब्लॉक पहले हुआ करते थे ना, जो अब्जॉर्ब नहीं होते थे, वो पूरे फेस पे अपने सन ब्लॉक लगा के वो ग्राउंड में जो है वो फील्डिंग वगैरह करते थे, बॉलिंग करते थे. मुझे बड़े अजीब नमूने लगते थे कि भाई क्या है ये, अजीब और गरीब चीज है. खैर जी, खबरें आपको बता दी हैं और जंग वंगों की बातें हो रही थी इसलिए हम वो बातें करेंगे नहीं. हम मोहब्बतें बांटने वाले लोग हैं, हम जंगों की क्या बातें करेंगे. गाड़ियां सस्ती हो गई हैं, सही है. ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने जो है वो गाड़ियों की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है. जिन लोगों ने गाड़ी नहीं खरीदी है और जो पहली बार गाड़ी खरीदने जाएंगे उनके लिए तो बहुत ही भाई मज़ेदार सी ऑफर आई है. सस्ती गाड़ियाँ हो गई हैं, तो अब जिनको शौक था गाड़ी खरीदने का खरीद सकते हैं. 660 cc से लेकर 1800 cc तक की गाड़ियों की कीमतों में बहुत बड़ी कमी की गई है और गाड़ियों की नई कीमतों का ऐलान भी कर दिया गया है. और इससे अच्छी क्या बात है. चलें जी बात करते हैं आपके स्टार्स की. आपके स्टार्स क्या कह रहे हैं और कैसा रहेगा आज का आपका दिन. और मेरी आवाज मुझे कम क्यों आ रही है, पता नहीं क्या हो जाता है अचानक बात करते करते. चलें ठीक है. अच्छा जी, आज आपको किसी किस्म की मुकाबला बाजी जो है वो और मुकाबला बाजी और दूसरों को चैलेंज करने वाली मसरूफियात में शामिल नहीं होना चाहिए. अगर आपको मौके मैसर आ सकें तो आप अपने दिन का बेशतर हिस्सा अपने जारी अमूर के अलावा अपने प्यारों की मैयत में गुजारने की कोशिश कर सकते हैं और कीजिए. राइट, मेरे ख्याल से अब मेरी आवाज़ ठीक हो गई होगी, पता नहीं क्यों इतनी कम अचानक से कैसे कम हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता ये कि आवाज़ ठीक आते आते अचानक कम हो क्यों जाती है, क्यों होता है ऐसा. चलें ठीक है, ओके. अच्छा जी, और साथ ही साथ
अपनी प्यार भरी जिंदगी को नया रुख देने के लिए कोई अहम और दूरअंदेशी पर मबनी फैसला भी करना होगा। किसी करीबी फर्द या खलूस और प्यार से आप बहुत ज्यादा मुतमईन और पुरसकून हो सकेंगे। शाम में अपने दोस्तों के साथ मुलाकात हो सकती है, लेकिन अच्छे हालात में ऐसे अच्छे हालात जो है वो आज कुछ हल तलब मामला भी सामने आ जाएंगे। मतलब आपका अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामला होंगे कि जिसमें आपको गुस्सा आ जाएगा, तो आपने गुस्सा नहीं करना, ठीक है। आपके दोस्त आपकी मदद के लिए तैयार होंगे, तो बस अपने दोस्तों की हेल्प ले लेनी है आपने। बात करेंगे हम पाइसिस की। पाइसिस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज का दिन आप अपने कारोबार को मजीद तरक्की देने के लिए बेहतर साबित हो सकेगा, कि जिसकी वजह से अपने दिलेराना मंसूबों को अमली शक्ल भी आप दे सकते हैं। आपका जोश जज्बा इस कदर बुलंद होगा और आपका एतमाद इतना मजबूत होगा कि आप जो भी करेंगे आपके रास्ते में कोई चीज़ रुकावट ना बन सकेगी। इसके अलावा आपके अपने प्यारों के साथ ताल्लुकात जो है मजीद मजबूत हो जाएंगे, इंतहाई खुशगवार भी होंगे, और आपको हर हाल में हकीकत पसंदी से काम लेकर आगे कदम बढ़ाना होंगे, और हर हाल में अपनी ख्याल सराइयों और दूसरों के बारे में पैदा होने वाले शकूक शोबात से अपने आप को बचाना होगा, जबकि किसी मनफी सोच को सर पर सवार नहीं करना चाहिए। बात करेंगे हम एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपके पास काम करने के बहुत से मौके मौजूद होंगे, लेकिन आपको किसी तौर परेशान नहीं होना चाहिए। मजमूई तौर पर आप अपनी ज़ाती हालत में बेहतरीन और मुस्बत ख्यालात के हामिल होंगे, इसलिए अपने आप को परेशान करने की कोशिश ना करें। अगर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल महसूस होगी, तो उसका ताल्लुक आपकी अमली काविशों में कमी या उमदा गुफ्तगु करके दूसरों को मुतासर ना करने की वजह से हो सकता है, इसलिए अपनी इन खूबियों की जानिब खास तवज्जो दें। अपने बाकी मामलात की नस्बत आपको अपने प्यार मोहब्बत के दरपेश पेचीदा हालात की जानिब खास तवज्जो देनी होगी, मगर इस मरहले पर खासा मुतहरिक होना पड़ेगा ताकि दूसरों को उनके वादों का पाबंद बना सकें। बात करेंगे टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? हमने आपसे पूछा है भाई, कसूर बस इतना सा है कि इस लाइन को कंप्लीट करना, और साथ साथ आजकल अक्लमंद कौन है ये भी आप बता दें। देखते हैं आजकल कौन लोग होते हैं जो अक्लमंद होते हैं, राइट। साथ साथ बात करते हैं हम टॉरस की। सो आज आपको अपने कारोबारी मामलात में कामयाबी मैसर आ सकेगी, जबकि अपने घरेलू मामला को भी आसानी आप निपटा सकते हैं। आपकी कामयाबियों को आपकी जानब से अपनाई गई तब्दीलियों के पस मंजर में ही देखा जाएगा, जबकि आपकी काविशों को भी सराहा जाएगा, लेकिन मुमकिन तौर पर आपको दूसरों के नुक़ नज़र को भी अहमियत देने की कोशिश करनी चाहिए। आज आपको किसी तरह की नई जिम्मेदारियों को कबूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह बहुत से मामलों को एक साथ निपटाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे खास फर्ज से हो सकती है कि जिससे मुलाकात का आपको बहुत ज्यादा इश्तियाक था, और हो सकता है कि इश्तियाक भी उसके साथ ही आ जाए, फिर आज आपकी यही ख्वाहिश हकीकत बन जाएगी, राइट। ओके, बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज का दिन आपके लिए अपने दोस्त अहबाब से मेल मुलाकात करने या किसी किस्म की कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल भी मददगार नहीं, नहीं मददगार ही होगा। स्पेशली ऐसे अमूर से इज्तनाब करें जिनमें मनफी अनासर हावी हों, और अपने मामूलात ज़िंदगी में तब्दीलियां लाने की कोशिशों को शक व शुबा की निगाह से ज़रूर देखें, ताकि आपके प्यार मोहब्बत के मामलात मजीद बेहतर हो सकें। आज आपको अपने पेशावराना अहदाफ की जानब खास तवज्जो खास तौर पर मुतवज्जे रहना चाहिए, और मौजूदा मसरूफियात की वजह से आपको अपने अहदाफ की तकमील के लिए खास जद्दोजहद करने की मनसूबा बंदी भी करनी चाहिए। आपकी लगन और अजाइम आपको रुकावटों पर काबू पाने में मदद फरहम कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलें जी, आपके स्टार्स की बात हो गई, और बाकी हम बातें जो है वो बाद में जो है वो कर लेंगे, ठीक है, नहीं आपके स्टार्स की। तो अभी फिलहाल जो है आपके कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ से मौजूद है हमारे साथ। मोहम्मद फराज कहते हैं नाइस सॉन्ग, हाँ तुम्हें तो ऐसी सैड सॉन्ग ही पसंद आएंगे फराज। और कहते हैं क्या हाल है, मेरे हाल बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान अली दिलदार कहते हैं मैम प्लीज़ मुझे मेरे स्टार के बारे में बताएं, मेरी पैदाइश है 16/10। अच्छा ठीक है, बताती हूँ अभी बताती हूँ। साथ साथ सरदार फैसल जफर कहते हैं कि किधर व्हाट किधर। सिकंदर अली नाइस शो कहते हैं बहुत शुक्रिया ज़ाला खान, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपको भी जुम्मा मुबारक। अदनान अली दिलदार थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आरजे सैयदा फरहान अली साहिबा वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आप कैसी हैं। सना जावेद क्या हो गया सना जावेद, मैं अपने नाम के साथ ही खुश हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं मैम कल ही क्या है घटना को आप लतीफ़ा समझी, जो भी
कल जब मैंने वैक्सीन लगवा कर आपके चक्कर आप तो चक्कर से और धुंधला सा दिख रहा था। अच्छा मतलब अब ठीक है, आप कहते हैं मैंने फौरन अंसारी हॉस्पिटल फ़ोन करके अपना हाल बताया तो जवाब आया कि अच्छा वो आप हैं, जल्द आएँ, यहाँ कुछ ऐसे ही हाल हैं। दरअसल हुआ ये कि जिस नर्स ने मेरी रिपोर्ट एंड वैक्सीन लगाई थी उसी से मेरा चश्मा बदल गया था। ओके अच्छा जी, कैसे हैं आप मसूर साहब? ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? अदनान अली दिलदार कहते हैं मैम प्लीज़ मुझे, अच्छा हाँ मैं बताती हूँ आपको, एहसन हमीद वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ जयाला खान कहते हैं कि माजरत के साथ मैम आज मैं थोड़ा किसी और चैनल पे हूँ, जाओ जाओ बेटा। एहसन हमीद कहते हैं तुम लोग के ड्रामे, तुम्हें लगता है कि मुझे फ़र्क पड़ेगा? तुम लोग की ड्रामेबाजी ना बहुत अच्छे से समझ आती है मुझे। एहसन हमीद कहते हैं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ नाइस शो कहते हैं, कलर सही से सुनते हैं, क्या बात है। अब्दुल लतीफ़ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, मेरी कॉल नहीं लगती इस नंबर पर, पता नहीं बाजी क्या बिजी लगा हुआ है क्या, 15 दिन हो गए हैं मैं कॉल कर रहा हूँ, मेरी एक बार भी कॉल नहीं लगती। आप ऐसा करें कि प्रोग्राम में व्हाट्सएप नंबर है उसे यूज़ नंबर उसको ऑन करें, बस कर दो बेटा व्हाट्सएप नंबर को ऑन करें, नहीं करें हम आपकी दरख्वास्त को जो है वो रद्द करते हैं, सही है। कहते हैं कि मेहरबानी होगी आपकी ये इसको दरख्वास्त को मेरी आगे पहुंचा दें। देखिए मेरे शो में ये मैं जो डिसाइड करूंगी वो होगा, सही है। सो सिर्फ आपको नंबर दे दिया ना फ़ोन करने के लिए, इतना काफ़ी नहीं, इतना फ्री क्यों होता है कि व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉल करेंगे, इतना फ्री नहीं होता बेटा, वहाँ पर नहीं मिलने तुम लोगों की कॉल। राशिद खान बहुत शुक्रिया, नहीं राशिद नहीं राहत खान, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम खुशबू जैसी आरजे, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं बट इतनी तेज़ खुशबू लगाती हैं आप, हाय मेरा सर चकरा दिया। नहीं मैं उन पागलों की तरह नहीं हूँ कि पूरी जो है ना पूरी परफ्यूम की बॉटल जो है ना एक साथ ही खाली कर दी। ओके साथ साथ कहते हैं वैसे बेस्ट इतर खुशबू का नाम बताएं मुझे, ऊद बेस्ट है। मौसम लियाकत कहते हैं किसी भी ब्रांड का ले लें, ब्रांड बहुत सारे हैं ऊद के ब्रांड, तो आपको हर ब्रांड में ऊद जो इतर है वो मिल जाएगा। साथ साथ मौसम लियाकत कहते हैं हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर होता है बट बेस्ट है। मौसम लियाकत कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर मैम कैसी हैं आप, अल्लाह पाक सब के वालदैन को सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमीन, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिर नईम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अभी क्या हाल है, वालेकुम अस्सलाम, आप बताइए यासिर आपके क्या हाल हैं, कैसे हैं आप, ठीक हैं खैरियत से हैं? और साथ ही साथ अब्दुल लतीफ़ बहुत शुक्रिया, ये फूलों के गमले क्यों भेज रहे हो भाई हमें। साथ साथ यासिर नईम कहते हैं कि सब सुनने वालों को यासिर का सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन लियाकत कहते हैं आज 5 साल हो गए हैं शादी को, अरे वाह क्या बात है, एनिवर्सरी आपकी, बताएं ना। राहिद खान कहते हैं योर वॉइस इज़ नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कहते हैं आई एम राहिद फ्राम FC, वॉट FC क्या है ये। साथ साथ एहसन हमीद बहुत शुक्रिया कहते हैं गर्मी है जी, हमारे यहाँ तो गर्मी नहीं है, अच्छा कलर सही था मैं गर्मी है, ठीक हो गया। साथ साथ यासिर नईम कहते हैं कि आप भी एक खुशखबरी है, मैंने सुनो FM पर सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, अरे वाह क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया, बेस्ट ऑफ लक। और मोहम्मद शहजाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सुबह खैर, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शहजादे, कैसे हो तुम? कहते हैं मैच की कोई बात ना करना वरना बहुत बुरा होगा बेटा, चलो मैच वालों के साथ कौन सा अच्छा हो जाता है। मोहम्मद इकराम कहते हैं इकराम फ्रॉम सब्जी मंडी प्लीज़ प्ले पश्तो सॉन्ग, नहीं होगा पश्तो सॉन्ग प्ले नहीं होगा, सही है। राहिद खान कहते हैं मैम पहचाना मुझे, नहीं पहचाना भाई ऐसे कैसे पहचानेंगे, हम कहते हैं पहचाना मुझे तो ये बातें तो समझ नहीं आएंगी मुझे, क्या कभी तुम मेरे स्टूडेंट रहे हो क्या जो मुझसे पूछ रहे हो पहचाना मुझे, हैं ये बताओ। साथ साथ अबू फातिमा अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मैम, वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, लिखा है कि जुमा मुबारक, आई एम फर्स्ट टाइम जॉइनिंग योर शो, ओके वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच अबू फातिमा। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं टॉपिक वन पर कसूर बस था कि देश और दुनिया के हुक्मरानों को सच्ची और खरी खरी सोशल मीडिया पे कह दी थी, फिर फेसबुक वालों को पता नहीं क्यों बुरा लग गया था और मुझे 15 घंटे के लिए बैन कर दिया गया था। ऐसे ही है फेसबुक जो है यू नो फेसबुक पर तो ऐसे ही होता है, जहाँ किसी ने किसी के फेवर में कोई बात की ऐसी किसी जेनोसाइड की बात की तो बस ऐसे ही होता है, वहाँ पर जो है आपको बैन कर दिया जाता है या फिर आपको स्ट्राइक्स आना शुरू हो जाती हैं, फेसबुक की जानिब से वार्निंग आना शुरू हो जाती है, बस क्या करें। अबू फातिमा कहते हैं यूर कहती हैं या कहते हैं आई डोंट नो प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिएगा, योर वॉइस सो नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यासिर नईम कहते हैं कि आप भी अगर इजाज़त हो तो वोटिंग का तरीका बता दूँ, ना बाबा यहाँ भी नहीं बताओ, अपने दोस्तों को आपस में बताओ फेसबुक पर, सही है।
और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं ये धना कैफ अच्छा जी, साथ साथ रेहान मलिक कहते हैं कि आज का मौसम है सुहाना क्योंकि शो कर रही है आरजे फरहाना। दोस्तों आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना वरना दो दिन पड़ेगा पछताना, क्योंकि सैटरडे संडे नहीं आएंगी आरजे फरहाना, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना क्योंकि मंडे को होंगी हमारे साथ आरजे फरहाना। वल्लाह क्या बात है। ओके साथ साथ कियानी असद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप ही क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन, सदा खुश रहो, बहुत अच्छा शो है आपका, तमाम सुनने वालों को सलाम, मैं बहरीन से जी। साथ साथ वाजिद अली कहते हैं नाइस शो, थैंक यू सो मच। नमान जट कहते हैं कि नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ राहिद खान कहते हैं अभी आई थी हुमैरा के शो में, मेरी बात आपसे हुई थी, हैं आप आई थी हुमैरा के शो में, मेरी बात आपसे हुई थी और मैंने आपके शो में कॉल ना लगने की कंप्लेन की थी और उस दिन से लेकर आज तक मैं कॉल ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक कॉल नहीं लगी अच्छा जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, ओके आपने कॉल की थी कि आप मेरे शो में कॉल नहीं लगती, राहिद खान, ओके आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, ठीक है होगा बिल्कुल जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉल नहीं लगती, तो अब किस किस का नाम याद रखूँगी, कौन कौन कह रहा है कि कॉल नहीं लगती, बट आप ट्राई करते रहिए, कभी ना कभी तो आपकी कॉल लगी जाएगी, राइट। सो साथ साथ अदनान अली दरूर इंशाल्लाह, क्यों नहीं। इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आबिद अमीर कहते हैं कि हमारे 19s के ट्रैक ऐसे थे कि आपको कोई ना कोई अच्छा लगने लगा था, हैं कोई ना कोई अच्छा लगने लगा था ये क्या बातें करते हैं आप लोग, कहते हैं एक लड़की को देखा तो मेरा चांद मुझे आया है नजर और ए मेरे हम सफ़र चांद से पर्दा कीजिए अब बस ये जो है ना असल में आपको लगाया ही नहीं कामों में, इसी वजह से गया था कि आप किसी काम के ना रहे। मोहसिन लियाकत कहते हैं इंतज़ार ही तो नहीं होता, हाँ ठीक है। इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं क्या हाल है डियर आपी, थैंक यू सो मच मोहसिन, मैं समझ गई हूँ आप क्या कह रहे हैं। लतीफ सरवर कहते हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मदर हुसैन कहते हैं सलाम वालेकुम बाजी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं मैं चली मैसेज कर लिया था, हैं पता नहीं क्या लिखा है आपने, हमें बातें की बताएं कि हमारे क्या बताऊं। साथ साथ यासिन कहते हैं कि आमीन मोहसिन भाई थैंक यू सो मच। अबू फातिमा कहते हैं मैम प्लीज़ प्ले द सॉन्ग बिस्मिल्ला कराम, बिस्मिल्ला कराम चलें प्ले करते हैं, अच्छा सॉन्ग है, ओके। साथ साथ रांझा जी कहते हैं आज कराची का मौसम अच्छा है और मेरा भी यहाँ लास्ट दिन है, फिर पंजाब जाना है अपने गाँव, चले जी ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सैयद साहिबा, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं कि सिर्फ 4K चौरंगी बंद है जाने वाली साइड और काम चल रहा है पिछले 2 सालों से, यहाँ है 2 सालों से काम चल रहा है क्या बात है। साथ साथ अमर रमेश कुमार बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ अब्दुल लतीफ़ बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि पता नहीं क्या लिखा है, साथ साथ यासिन नहीं बिल्कुल सही कहा आबिद भाई। और मोहम्मद खान मंगरियो बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। यासिन नहीं कहते हैं आबिद भाई भाभी शो सुन रही हैं, ख्याल रखना ओके। मोहम्मद खान कहते हैं कि ज़बरदस्त प्रोग्राम साईं, बहुत शुक्रिया। इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं टॉपिक क्या है सिस्टर, टॉपिक ये है कि आपने बताना है कि कसूर सिर्फ इतना सा है, कसूर बस इतना सा है, क्या कसूर है आपका। साथ साथ आजकल अकलमंद कौन है ये भी आपने बताना, ठीक है। राहिद खान कहते हैं अकलमंद वो है जो मौत से पहले आखिरत की तैयारी कर ले, सही बात है, सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होता, तैयारी भी करनी चाहिए, ये नहीं कि हम इसको बोला आखिरत की तैयारी कर लो लेकिन अपनी तैयारी नहीं है। सो नहीं मजाक कर रही हूँ, वैसे ही कह रही हूँ। सो चलें जी एक ट्रैक की जानिब जाते हैं और ट्रैक हम सुनेंगे कौन सा, लड़की ने एक ट्रैक कहा था मुझे सबा ने कल ना, तो चले हम वही सुनते हैं नबील की आवाज़ में, अच्छा ट्रैक है और थोड़ा सा मेलो है बट है अच्छा, राइट। सो हम इस वाले ट्रैक को सुनते हैं, वापस आएंगे इसके बाद फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना क्योंकि अगर आप कहीं पर भी चले जाते हैं तो फिर इतना कुछ मिस कर देना आपने, फिर परेशान होना है, रोना है आपने हाँ हाँ रोना है आपने। सो वापस आएंगे इसके बाद, स्टे ट्यून्ड। तेरे बिना मैं जीऊंगा कैसे, रास्ते पे छाई है खटा, तुझ
तुझसे मैं हूँ, मुझ में तू है, कैसे फिर ये तय हो फासला। होश ये मेरा खोया नहीं था, आज जो पाया पाया नहीं था। खिलने लगी हर कली आज से, ये इश्क का है मौसम, ये इश्क का है मौसम। प्यार की गलियों में खो जाए कहीं हम तुम। होने लगी है ये मुलाकातें, एहसास दिल को नया सा लगा। देखा तुझे तो दिल ने ये जाना, जो था जुदा सा जुड़ा सा लगा। ओ मेरा यार मिला, मेरा प्यार मिला, जो मांगा मिल गया। लम्हा लम्हा खोया था कभी, पल पल वो मिल गया। आज से वो कानों में रस घोले, वो कानों में रस घोले, जान निकल जाए भीगे हो से जब बोले। झुकने लगा है आसमां जमीं पे, सिलसिला ये ऐसा अजब सा हुआ। महकी फिजाएं जुल्फों से तेरी, जैसे नशा सा होने लगा। बदला बदला हर रंग लगा, रंगों में खो गया। पहला पहला ये प्यार मेरा जो तूने छू लिया, आज से तुझ संग लड़े संग लड़े नैना। चाहत है अब तो तुझे देखते ही रहना। Welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 56 minutes past 9 on the dial right now. So, चलें जी क्या करते हैं अभी? आपके स्टार्स की बात करते हैं, टॉपिक रिपीट करते हैं दोबारा। आपने एक लाइन को कंप्लीट करना है कि कसूर बस इतना सा है कि, और आजकल अकलमंद कौन है? तो ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे, बात करेंगे कैंसीनेस की। कैंसीनेस के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे फर्द से हो सकती है, ऐसी हस्ती से हो सकती है कि जिसके बारे में बेइंतहा आपने सोचा होगा, और आज मुमकिन तौर पर आपको किसी तकरीब में मिल सकता है। आज आपको खास तौर पर अपनी प्यार मोहब्बत भरी जिंदगी की जाने मुतवज्जह रहना होगा, और अनजाने में होने वाली अपनी गलतियों को कबूल करना होगा। आपको अपनी माली हालत में बेहतरी के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने प्यारों से दिल खोलकर बातें करनी चाहिए। आज किसी दूसरों के कंधे पर रखकर गोली चलाने से गुरेज करें, और अपना मकसद लाजमी पेश नजर रखकर खुद को कामयाब बनाने की कोशिश करें। बात करेंगे हम
लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, और साथ ही साथ आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे 10 बजे के बाद। आज अपनी घरेलू जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिशों में मसरूफ हो सकते हैं, आपको आज अपने दोस्त अहबाब के साथ गपशप करने के मौके भी मैसर आ सकेंगे। आपको दूसरों की बातें सुनने का हौसला ही पैदा नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें बोलने का मौका भी फराहम करना चाहिए ताकि वो अपने दिली जज्बात का वाज़ेह इजहार कर सकें। अपने हल्के अहबाब में शामिल किसी भी मुखलिस फर्द से बहस तकरार में मुलव्वस होने से बाहर हाल बचें, और मुमकिन तौर पर मसलहत पसंदी से काम लेकर अपना काम निकालने की कोशिश करें। अगर कोई फर्द आपसे इख्तलाफ राय का इजहार करे तो उसका बुरा मत माने बल्कि अपनी प्यार करने की सलाहियत से दूसरों को मुतासर करने की कोशिश करें। बात करेंगे वर्गों की, वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने कारोबार की तरक्की के अलावा अपने माली इस्तेहकाम के लिए अपने कारोबारी पार्टनर से हर मुमकिन तआवुन करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। इसके अलावा आप आज खुद भी अपने लिए फायदेमंद मंसूबा बंदी करने में कामयाब रहेंगे कि जिससे माली लेन देन में बेहतरी आ सकेगी। इन हालात में आपकी अपने प्यारों के साथ कुछ मामलों में नाराजगी होने से जहनी दबाव पैदा हो सकता है। अगर आप खुद को पुरसकून और मुतमईन रखेंगे तो आपके तमाम मामलों बआसानी हल हो सकेंगे। आपको अपने कारोबारी मामलों के अलावा अपने घरेलू मसाइल को हल करने की जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए, और अपनी सेहत की बहाली के लिए भी आपको आराम करना होगा। राइट, बात करेंगे लिब्रा की, लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको अपने घर में तब्दीलियां लाने और सवारने या सजाने के मौके में असर आ सकेंगे। अपने घर की किसी भी किस्म की तज़ईन और आराइश भी कर सकेंगे। बहुत से मामलों को हल करने में अपने दोस्त अहबाब की मदद हासिल होने से आपके हौसले जवान और जज्बे तवाना रहेंगे। आज आप भी जो भी करना चाहते हैं आप उसे आने वाले कल तक के लिए मौखर मत करें। आपको कोई सीनियर रिश्तेदार जो है अपनी तजावीज दे सकता है, भी कर सकता है, तो आपको इस हद तक बेचैन कर सकता है कि आप अपने ताल्लुकात की परवाह किए बगैर उससे झगड़ा शुरू कर सकते हैं। सो अपने आप को संभालें और हालात में जन्म लेने वाले मौकों से फायदा उठाने की कोशिश करें। राइट, 03213660303 इज नंबर टू कॉल। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि नहीं बा खुदा, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करती किसी भी स्टार में, जो लिखा होता है सिर्फ वही पढ़ के सुनाती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ ऐड करने, मेरा कोई इसमें कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। सो 03213660303 इस नंबर टू कॉल। सिर्फ और सिर्फ नए नवेले कॉलर आएंगे। राइट, सिर्फ और सिर्फ नए नवेले कॉलर आएंगे। किसी पुराने कॉलर ने आगे ये बोला ना कि इतने दिनों के बाद किए हुए कॉल में वैसे ही ड्रॉप कर दूंगी, बता रही हूँ, चाहे 15 दिन हो गए चाहे 1 महीना हो गया, कोई पुराना कॉलर कॉल नहीं करेगा आज मेरे। लड़कियां आएंगी, ठीक है। सो ओके, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं फिर कॉल्स को शामिल करेंगे। 03213660303 नंबर टू कॉल, और चलें पहले कॉल को शामिल कर लेते हैं। कॉल आ चुकी है, एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। 6 जुलाई को अंकल के जन्मदिन के अवसर पर मॉर्निंग वाइफ से बहनों और भाइयों ने अंकल को बहुत सारी मुबारकबाद पेश की, जिसके लिए इन सब का अंकल दिल की गहराइयों से शुक्रिया, आभार, थैंक्स, मेहरबानी अदा कर रहे जी। और आगे बोलूं? हाँ जी बोले, आगे बोलूं? हाँ जी बिल्कुल। फूल को ढूंढे प्यासा भौरा, दीपक को परवाना, अंकल ढूंढे मॉर्निंग वाइफ तेरे मितवा। मेरे मितवा, एक बात कहूं, नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम जरूर आना। यूदा सताओ मुझको बना के दीवाना, ये दिल मेरा घर है तुम्हारा, आ जाना। अच्छा ठीक है। सितारे अपनी रोशनी लुटा के सो गए, हरी की शम्मा जल चुकी, ना जानो तुम कब आओगे। मिलता है मॉर्निंग वाइफ की दर्शगा, सैयदा फराना से सबक, आओ मितवा वहीं हम जाएं। मितवा तू ना रहे मैं ना रहूं, आओ हम मॉर्निंग वाइफ के गुलशन में खो जाएं।
मोहसिन लियाकत, मेरी भाभी माँ और मॉर्निंग वाइफ के तमाम लिस्टनर को अल्लाह हर बीमारी और परेशानी से दूर मत बचाए। आमीन आमीन सुमा आमीन। आखिर में बेटे सैयदा फरहान, आपने इस नाचीज अंकल को जमी से उठाकर आसमां पे बिठा दिया। अरे बेटे फरहाना, अंकल की दुआ है जी, अल्लाह करीम आप बेटे को, आप बेटे के दर पर आए हुए रोता हुआ सवाली को क्या कहना है, नहीं आपके दर पे रोता हुआ सवाली आए वो हंसता हुआ आपके दर से वापस जाए। आमीन 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 सुमामीन सुमामीन। बेटे मैंने ना 6 तारीख को ना आपके यहाँ 3 कॉलें जो है ना वो ड्रॉप हुई थी, यानी कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसमें 1 कॉल जो थी ना वो मिस रोजलिन की थी और 2 कॉलें मेरी थी, यानी के थी। सही। अच्छा ये आपने मतलब के गाने शुरू कर दिए अंकल। अच्छा तो ये SMS कब शुरू होंगे? SMS भी शुरू हो जाएंगे जैसे गाने शुरू हो गए। अच्छा चले अल्लाह बेहतर करे और जल्दी से जल्दी SMS शुरू हो जाए इंशाल्लाह, ताकि मेरे वारे नियारे हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, जबरदस्त हो गया। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत एकदम जबरदस्त है अंकल, अल्लाह खुश रखे। आमीन। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जैनब आ गए आपकी। अस्सलाम वालेकुम जैनब, क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है, बहुत शुक्रिया अल्लाह का करम है, बहुत मेहरबानी अल्लाह की। बाजी बात सुनिए, जो गाने शुरू हो जाए तो आप तो हाँ बता, जैनब भाई ने तो गाने जो बसंत का है ना जो गाना तेरी मेरी दोस्ती, उसकी सात सिस्टर बोलती है वो, चले मैं लगा देती हूँ वाला गाना, ठीक है? इससे पहले आपकी कॉल ड्रॉप हो जाए, सही है? चले ठीक हो गया, हाँ मैं बजा दूंगी, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए और सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज। ओके मोहम्मद यूसुफ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कॉलर को शामिल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे मिजाज हैं मुख्तमा सैयदा फरहाना अली साहिबा? मेरे मिजाज बहुत ही आला उम्दा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं? रमजान मलिक साहब ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? हाँ जी अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह का बड़ा करम, मैं पिशावर में हूँ इस वक्त। अरे वाह क्या बात है। और एक तजिया किया कि यहाँ पता चला आके पिशावर यूनिवर्सिटी में के इतना खूबसूरत पानी, मुझे रात मेरे दोस्त बता रहे थे कि आप जमजम के पास में मुझसे पूछे कि सबसे बेहतरीन पानी कौन सा है, कहाँ का है, तो पिशावर का है। क्या बात है, यानी कि अल्लाह ताला ने कितनी पाकिस्तान को खूबसूरत जमीनें अता फरमाई, ऐसे ही कि पिशावर डिस्ट्रिक्ट में किसी कोने में भी कड़वा पानी मिलते नहीं है, जहाँ हैंड पंप वगैरह या इस तरह। अरे वाह लगे हुए, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। और देखिए ये होता है कि आदमी कहीं कहीं जाए तो वहाँ के तजिया, यहाँ की जमीन कैसी है, यहाँ की इमारतें कैसी हैं। और रात मैंने मौसम सैयद फरहान अली साहबा एक इमारत देखी कि 1000 के नोट के बैक साइड पे जो तस्वीर है बनी हुई कॉलेज यहाँ पिशावर की जी। तो रात हम उसके सामने खड़े होके वहाँ का मंदिर देख रहे थे और प्रोफेसर साहब मुझे दिखा रहे थे नोट निकाल के तो ये तस्वीर मैच करें, अरे इमारत की ये तस्वीर है, वो रात देखने का इत्तेफाक हुआ। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत इमारत, मतलब की 100 साल पुरानी ये इमारत, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, कॉलेज देखा था तो बहुत अच्छा लगा। और दूसरा मैं ये मतलब से गुजारिश करना चाह रहा हूँ की हम दुआ करते हैं जी, वाकिफ साहब फरमाते हैं कि जहाँ आदमी दुआ करता है जिस जगह दुआ करता है वही कबूल करने वाला मजबूर करता है। सही। तो हम थोड़ा सा गुरेजा हो जाते हैं इस दुआ से ना, और बुजुर्ग जैसे फरमाती है ना बिल्कुल मुफ्त दुआ दी भी जा सकती है और ली भी जा सकती है। बिल्कुल। और आपकी ये आदत मुझे दिली तौर से कितनी अच्छी लगती है कि जब आप कॉलर को अलविदा कर रहे होते हैं जी। तो आधा मिनट तो आप उनको दुआ देते हुए गुजार देते हैं ना जी। और ये हर बंदा दुआ देता है, हर बंदी दुआ देती है, और जो सैयद के मुंह से दुआ निकलती है जी,
तो मैं इसकी कबूलियत को इतना करीब से देखता हूँ, शायद मैं ही देख सकता हूँ कि सैयद दुआ की अजीम दुआ होती है। तो आप सदा दुआ देते रहें, दुआ लेते रहें, हम आपके बदन के लिए दुआ करते हैं जी। और ये सदा बदन बदन जो है इशाद आबाद रहे। तमाम खूबसूरत समातें जितनी समात फरमा रही है भट्टी साहब हैं जी, अभी अंकल साहब तशरीफ लाए, रजा साहब अपनी खूबसूरत सेवा, सबको मेरी तरफ से सलाम अर्ज। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और अपनी दुआओं में याद फरमाइए, जरूर 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 आप दुआ में शामिल। बहुत शुक्रिया रमजान मलिक साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। लाफेज लाफेज लाफेज। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया, वाह यार, पेशावर में कहीं पर भी जो है वो यू नो खरा पानी नहीं है, वाह दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। देखें बस अल्लाह ताला ने कितना नवाजा है ना पाकिस्तान को। चलें देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप रजा साहब? हाँ जी, जन्नत नगर से खारवान है अरे वैद, आपसे शर्फ हासिल कर रहा है गुफ्तगू। अरे 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 अरे, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह अल्लाह का एहसान है, क्योंकि हमारी एक बहुत खूबसूरत मिसाल, उन्होंने मोहब्बत नगर बना दिया तो हमने आज से जन्नत नगर बना दिया। सही है सही है सही है, ठीक हो गया भाई। आज का टॉपिक क्या है बेटा? आज का टॉपिक ये है कि भाई आजकल अकलमंद कौन है? आजकल अकलमंद कौन है? अल्लाह अकबर। अरे भाई, जितने जितने भी इस दुनिया में बस रहे सारे अकलमंद है भाई, हम समय छोड़कर हम बेवकूफ हैं। सही बात है, आजकल हर कोई अपने आप को अकलमंद ही समझता है। लाजमी भाई, लाजमी बात है। देखिए, एन से अकल है, एन से जो है एनक लग जाती है, समझे, एन से अकल बन जाती है, और एन से एनुल्ला भी है, और मैं क्या करूं, एन से बहुत सारी चीज है, पर मसला सारे है अंडा गफील नहीं होना चाहिए इंसान को। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, समझे। और भाई आज आज हमारे शहर कराची का मौसम खूबसूरत है वाकई, समझे, बहुत अच्छा। मैं इस वक्त हाईवे पे मौजूद हूँ के करीब, अरे वाह, समझे, और यहाँ आया हुआ हूँ तो लिहाजी बात है मैं यहीं से बातें करूंगा जी जी। मैं यही कहूँगा कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अरे क्या बात है, क्या ही बात है, वाह सही बात है। वजह यह है कि जन्नत नगर में जाने के लिए आदमी को अंधेरे में जाना पड़ता है, तब रमक मिलेगी उसको उस रोशनी की जिसकी उसने जिंदगी में तमन्ना की थी। सही बात, शर्त यह है उसके आमाल अच्छे हों। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और रहा मसला ये मौसम के लिहाज से, तो ये आदि अमीर के लिए। अरे वाह क्या बात है, ओके ठीक है, सही, आपने एकदम फिट गाना बताया है आबिद अमीर के लिए, फिट आ रहा है। अभी तो उन्होंने W11 वाले गानों की बात की ना, इस पे तो एकदम फिट आ रहा है गाना इनके ऊपर। बेटा मेरे, बस देखो शरारत बाज वक्त करने को दिल चाहता है जी, तो कभी कभी हम कर जाते हैं, हालांकि हमारी उम्र नहीं शरारत करने की, नहीं दिल तो बच्चा है ना, क्या हो गया अगर आप 70 साल की भी हो जाए तो। भाई वो दरअसल मसला यही है कि बचपन और बचपन में कोई फर्क नहीं होता, हम तो ये भी हदें क्रॉस करके 65 में चले गए हैं, हमारी बातों को तो छोड़ दो, समझे, बस हम तुम लोगों के साथ थोड़ा इसलिए बेटा हंस बोल लेते हैं जी, गुजारने के लिए आदमी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सही बात है, समझे, तो हम खुशियाँ बांट के खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं, बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा मकसद इंसानियत है, ऐसे ही है। तुम किसी के लिए खुशियाँ तलाश करो, अल्लाह तुम्हारे लिए राहतें खुद ब खुद ऐसे ही है, ये बिल्कुल मेरा यकीन है, ये मेरा ईमान है, ऐसे ही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा साहब। हाँ, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, परवरदिगार आलम बाहक आले मोहम्मद शरई हाजात अपनी बारगाह में कबूल करे, आमीन, और जितने बीमार है उन्हें शफाए कुल्ली अदा करे, आमीन, जियो और जीने दो। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त हो गया सबक है, और इसी पे कारबंद रहो, जबरदस्त हो गया साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे।
रुचि रख रहे ना भाव। सही है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, ठीक हो गया। चलें कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं साथ साथ। ओके, यहाँ से नहीं कहते हैं कि जबरदस्त सॉन्ग, मजा आ गया, वाह नबील शौकत अली है ना, नबील की आवाज बहुत अमेजिंग है। साथ साथ शौकत जान कहते हैं कि हेलो कैसी हो आप ही, टॉपिक क्या है बताओ। टॉपिक ये है कि भाई आपने एक लाइन कंप्लीट करने के कसूर बस इतना सा है कि, और साथ साथ आज कल अकलमंद कौन है, राइट। ये दो टॉपिक्स हैं आज के। साथ साथ राहत खान कहते हैं किसी को क्या हासिल होगा हमें याद करने से, हम तो आम लोग हैं, यहाँ तो सबको खास की तलाश है। तो आप खास बन जाए खुद ही, या तो आप किसी और की तलाश खत्म कर दें। ओके, देखते हैं कौन हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सानिया, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, बहुत मुस्कुराती हुई आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, वाह जबरदस्त हो गया, बिल्कुल जी। आप सुनाओ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत प्यारी, मैं हाँ खूबसूरत तो मैं हूँ, वो सही बात आपने की है, ठीक है। उसके अलावा भी मैं बहुत बेहतरीन हूँ, बहुत ही उम्दा हूँ, बहुत ही आला हूँ। नहीं मजाक कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम एहसान है, ठीक ठाक हूँ मैं, खैरियत से हूँ। और बताओ लड़की। अच्छी बात है। हाँ, मैं वैसे ना रात्री का मौसम भी बहुत अच्छा है और मेरे दिल का भी मौसम बहुत ही अच्छा है। अच्छा, वाह क्या बात है, गुड। दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए, चाहे शहर का मौसम अच्छा हो ना हो, फिर तो शहर का मौसम अच्छा ना भी हो ना तो पता नहीं चलता। हाँ, दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए ना, जरूर। और बताओ आप सुना, आप कैसी हो? मैं जबरदस्त। अच्छा, और टॉपिक क्या होगी? टॉपिक भाई क्या है, आजकल कौन से लोग अकलमंद है? पीठ पीछे बोलते वो अकलमंद होते हैं जो गीबत करते हैं। ना करो लड़की, ना करो। वो अकलमंद कहाँ होते, धोखेबाज होते हैं वो लोग। जो पता ही क्या, देखो जो तुम्हारे पीठ पीछे कभी बात करेंगे ना, वो तुम्हारे सबसे बड़े धोखेबाज वही लोग होते हैं जो तुम्हारी बुराई करें तुम्हारे पीछे, वो कभी दोस्त नहीं होते। नहीं मतलब मैं आज ही बोलती ना, इसलिए मैं किसको पसंद नहीं है, इसलिए अब मैं मुंह पे बोलो जो बोलो, सच बोलो, बस सच बोल के खत्म, खरा खरा। आपको पता है मैं सच बोलते बोलते बस एक अकेली बची हूँ। एक ही बची हो, अकेली? अच्छा, अकेली रहती हूँ। चलो कोई नहीं, और भी होंगे लोग जो कभी सच बोलेंगे, वो भी तुम्हें आ मिलेंगे, है ना। और दूसरा टॉपिक, दूसरा टॉपिक ये है कि कसूर बस इतना सा है कि आदत पड़ गई, ये कसूर है। ओहो हाँ। अच्छा, आदत पड़ गई, अब आदत छूटती नहीं है मेरे शो की, है ना। हाँ, मतलब आपके शो सुन लो फिर कॉल करने की दिल चाहता है, और यहाँ कॉल करना बहुत सख्त है। सख्त है, बहुत सख्त है कॉल करना। नहीं, अच्छा, मतलब कॉल मिलाना सख्त नहीं, बहुत मुश्किल, मतलब सही बात है, बात पता नहीं। देखो मैं ये एक्सपीरियंस मैंने कभी किया नहीं है तो मुझे नहीं पता कि कॉल मिलाना कितना मुश्किल है। चलो मैं ना कभी अपने शो में ट्राई करूंगी, नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है ना। मेरे लिए कॉल मिलाना इतना मुश्किल नहीं होता, बात करते हुए किसी ने देख दे शो में बात करे तो ओहो ये मुश्किल होता है। ओके ठीक हो गया, चलो और कुछ कहना चाहोगी लड़की से पहले कोई देख ले तुम्हें? नहीं आज कोई नहीं, आज कोई नहीं, ठीक है ठीक है। और बताओ क्या कहोगी, और क्या कहना है? और ये कहना है आप मेरे ख्याल से दो दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जाहिर है भाई, सैटरडे संडे अभी भी छुट्टी पे नहीं जाऊँ मैं। पांच दिन मैंने शो कर लिया। हाँ नहीं, अगर सात दिन भी करते कोई बात नहीं होता ना, सात दिन भी करती तो कोई बात नहीं था यार, बस करो। अगर मेरे घर वाले बोलेंगे बेटा रेडियो पे ही सो जाया करो तुम, है ना। अच्छा, मतलब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके सानिया। वैसे ना तमाम लिसनर्स बहुत अच्छे हैं, उसके साथ साथ ना आज के लिसनर भी अच्छे बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, सब लिसनर्स अच्छे हैं ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सानिया, टाइम इससे पहले कि तुम्हारी कॉल ड्रॉप हो मैं खुद ही तुम्हें लाफिज कह देती हूँ, सही है। ओके चलो, बहुत शुक्रिया अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको खुश रखे और सलामत रखे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह
अच्छा जी ओके, यासिर नईम कहते हैं, क्या कहते हैं, रांझा जी कहते हैं के डियर आबा आपने 15 मिनट बढ़ाए थे, वो कहाँ गए, कौन खा गया? 15 मिनट बढ़ाए थे कब, क्या हो गया भाई? वो एक ही हफ्ते के लिए था, हर हफ्ते थोड़ी ना ऐसा होगा, इतना फ्री नहीं होता बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं भाई फरहाना जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नहीं साहिबा ठीक है, खैरियत से हैं? मोहब्बत नगर में पहुँच जाऊँ, पहुँच जाऊँ अपने मोहब्बत लेके कहीं आप वो ना कर, नहीं ये मोहब्बत नहीं है, नहीं हमारी मोहब्बत है भाई आपसे, वरना हम रमके रमके हो जाए, रमके रमके हो जाए। अगर आपको कोई मैसेज मैं बार बार सेंड कर रहा तो आपको आप रमके रमके रहो जाए भाई, इतना रमके रमके भी नहीं रहना चाहिए कि फिर वो रमके रमके ही हो जाए फिर। नहीं नहीं एक वो इसमें भी कभी टॉपिक रखना चाहिए आरजे का और लिसनर का, हाँ। ये ना इसका भी एक टॉपिक होना चाहिए, आरजे की एक अपनी वैल्यू है, बिल्कुल और है, लिसनर की अपनी है इसके बारे में बहुत, और लेकिन हर तरफ से जरा, लेकिन हर एक का अपना मिजाज है। अब देखे ना बिरयानी हमारे आबिद भाई है, बिरयानी कई तरह के अलग अलग लोग खाते हैं। अच्छा ये जो हमारे एहसन रजा साहब है, बात ये है कि जिन लोगों ने अपने हाथों से अपने प्यारों को रुखसत किया होता है ना इस दुनिया से, तो वो फिर क्योंकि या आंसुओं के साथ, आपके आंसुओं के साथ कोई नहीं रोएगा, हाँ हंसने के लिए आपके साथ होंगे, तो ये जो है ना कभी एहसन रजा साहब से पूछिएगा, क्योंकि मैं लहजों से उनकी ना अल्फाज से उतार चढ़ाव से सिंचाई का अंदाजा लगाती हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है, कोई जरूरत नहीं सोचने की, कोई कुछ भी कहे, अरे अपने मन की लगन में लगे रहो और उस रब को जिसको राजी करना जरूरी है सही, तो जो आपके मन में आए करते रहो और अपना चलो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कसूर ये है कि मैं खाली जगह जो फिलिंग आती थी ना बड़े शौक से करती थी अपने एग्जाम में, ये खाली जगह पर करें फराना, अगर मेरे से कोई पूछती थी ना तो मैं एकदम उठ के कह दिया टीचर ये मुझे तंग कर रही है। तो मेरा कसूर ये है कि सच ये है कि मैं सच बोल देती हूँ, सच बोल देती हूँ, सही है। तो मैं पछतो भी थोड़ी बहुत जानती हूँ ना, तो एक बार दो आपस में पछतो में कह रही थी, एक दूसरे को कह रही थी कि ये बहुत बड़ी बद्दुआ है, कभी किसी को ना दो कि तू बे औलाद रहे, बिल्कुल। तो मैं पास से सुन रही थी, मैंने कहा बहुत बुरी बात क्योंकि आप हमारी बात समझते हैं, मैंने कहा मैं सारा समझती हूँ थोड़ी बहुत। दूसरा क्या पूछा, दूसरा अकलमंद कौन है? हाँ मेरी प्यारी, यहाँ हर एक ही अपने आप को अकले कुल समझा हुआ है, लेकिन नहीं हम कुछ भी नहीं है, मैं तो कहती हूँ हम रेत का डर्रा है जो मैं चमकने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा रब चमकाए सबको, बिल्कुल बिल्कुल बेशक, हम अपने आप को नहीं कह सकते हैं बस। तो अगर कहें तो मैं भी अपने उस्ताद हमारे आए हैं सर एसएम और हमारे मसूर साहब भी, उनकी मेहसी बहुत है सुलझे हुए और बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगा दे बिल्कुल जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं सुनाऊं, अगर कानों पे वो रख ले हाँ। अब जिसको बुरा लगे तो हमें क्या लगे ठंडा हाँ। पानी पिलेगा इसको बुरा लगे तो अच्छे पहले के कॉल बंद हो जाए हाँ। हमारे सर रजा साहब ने अभी कहा मौसम का तो इनको खुश करना चाहिए, किसी का क्या कहता है, तो ये चले ठंडी हवा सम सम, चल ठंडी हवा सम सम, ले ले सैया प्यार निभाने की कसम, ओ चले ठंडी हवा सम सम, अरे वाह, ले ले सैया प्यार निभाने की कसम। तो बात ये है, एक दफा कार्जे ने कहा कि आपने इतना कुछ कहाँ से सीखा ना, बहुत अच्छे आरजे सारे अच्छे हैं। तो जी जी। मैंने कहा जनाब मैंने ये इसी ये अल्लाह इनको खुश रखे रे ऐसा सबको जी जी। मैंने कहा यहाँ से सीखा सब कुछ, अरे वाह। कहते हैं नहीं आपके पास हमें ना ऐसे अफराद की जरूरत है जिनके पास इतना अल्फाज का जखीरा हो, तो बात ये कि मैं सीखती हूँ हर जगह से, सही बात। और लोग कहते हैं कि हम उम्र के हिसाब से सीखते, मैंने हालात और वाकयात और तजर्बात से सीखा है।
और कॉल ड्रॉप हो गई। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। एनी साहिबा जो है कहती है कि मैंने हालात वाकयात और तजुर्बात से सीखा है। क्या बात है, बहुत अच्छा गया। और जावेद हुसैन कहते हैं कि आजकल इंसान अकलमंद है। वाह वाह, क्या बात की आपने, वाह वाह वाह। यासिन नईम कहते हैं कि अकलमंद वो है जो ठंडा करके खाते हैं, बदअकल वो हैं जो गरम गरम खाते हैं। सही बात है, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगे कि फ्रिज में से निकाल के लेकर आए। सही है ना, इतना ठंडा भी नहीं खाना चाहिए, इतना ठंडा भी नहीं खाना चाहिए कि खराब ही हो जाए। देखते हैं कौन है, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। यासिन नईम बहुत शुक्रिया, कहते हैं मैं भी बहुत प्यारा हूँ। हाँ सब प्यारे हैं, हमने कब कहा कि आप प्यारे नहीं है। देखते हैं कौन है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ जी? मैं पहली दफा कॉल कर रही हूँ, काफी दिनों से ट्राई कर रही थी लेकिन आज नंबर मिला। अरे वाह क्या बात है, आज कॉल मिल गई आपकी। कैसी हैं आप, नाम बताइएगा अपना। जी मेरा नाम फायजा है। कैसी हैं आप फायजा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो? मुझे आपके मैं प्रोग्राम बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कितने टाइम से सुन रही हैं आप फायजा? मुझे काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गए, ठीक हो गया। नंबर मिलाते मिलाते थक जाते, मिलता ही नहीं है। चले आज तो मिल गया ना, इतनी खुशी हुई है मुझे आज। अरे कैसे, जैसे ही कॉल ड्रॉप होती है तो मिलाती हूँ, फिर भी बिजी आता है। अच्छा बस क्या करें, बस अल्लाह ताला का करम है कि लोग इतने सारे हो गए माशाल्लाह से कि नंबर मिलता नहीं लोगों को। लेकिन आप चलें आज मिल गए, एक बार जिसकी कॉल मिल जाती है ना फिर उसको मिलती रहती है। अच्छा हाँ, कल तीन दफा मिली थी लेकिन आपने उठाया नहीं, पहली कॉल मेरी थी। अच्छा मुझे पता नहीं चलता नहीं, यहाँ पे क्या करें। जी जी, और बताएं क्या करती हैं आप फायजा? जी मैं घर में रहती हूँ। घर में रहती हैं, ठीक हो गया। अच्छा और बताइए, पढ़ाई कर ली है अब घर में रहती हैं। चलें जबरदस्त हो गया। और क्या कहेंगी, टॉपिक सुना आपने, अकलमंद कौन है आजकल? जी मेरे ख्याल में अकलमंद वही है जो सबर करता है। जो सबर करता है, क्या बात है। साथ साथ और उसे तकलीफ नहीं होती ना किसी के बातें सुने। सही, सबर का तो मतलब ही कोशिश होता है, और सबर करने का तो मतलब कोशिश ही होता है। हम कहते हैं कि सबर करना मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, दैट इज नॉट राइट। सबर करने का मतलब होता है कोशिश करना, राइट right? कोशिश करना, वही अकलमंद है जो सबर से अपने और साथ साथ। और दूसरा टॉपिक अभी आपसे बात करते हैं, खुशी में भूल गई कौन सा। कसूर बस इतना सा है कि जमाने में आकर गम से निपट रहे, गम से निमट रहे हैं। ओके ठीक हो गया, खुशी गम साथ साथ है ना। खुशी अगर गम ना हो तो खुशी का एहसास नहीं होगा, और खुशी ना हो तो गम का एहसास नहीं होगा, है ना। नहीं वाकई साथ साथ चलते रहते, साथ साथ हर चीज देखे ना। प्यारी बहनों की बातें सुन के फिर सब कुछ भूल जाते। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। मैं एक बजे तक सुनती हूँ मेरा आप ही के और आपके दोनों शो। अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त हो गया जबरदस्त हो गया। आपने मुझे वेलकम ही नहीं किया। अरे वेलकम टू द शो। आपने याद दिलाया तो किया आपने ना। हाँ, अरे हाँ अब इंशाल्लाह रोज कॉल करूँ। चले इंशाल्लाह जरूर आपसे रोज बात होगी। बहुत शुक्रिया फायजा कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। अपना मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आमीन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, देखिए नए लोगों को ऐसे ही मौका देते हैं कि भाई नए लोग आकर कॉल करें ताकि उन लोगों को मौका मिल जाए जो बहुत टाइम से नंबर डायल कर रहे हैं, राइट। देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ये कौन है, ये आखिर है कौन? आबिद अमीर कहते हैं अरे वाह मेरे लिए था रजा साहब, आपके लिए एक अर्ज है, आते जाते खूबसूरत आवारों हैं, आवारों सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से इतना हसीन लोग मिल जाते हैं कि उनसे उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते नहीं वो दूसरा है। जो मिलता है तुम सा लगता है, वो दूसरा ट्रैक है। ओके साथ साथ यासिर नईम कहते हैं कि दिल का मौसम अच्छा हो तो लोग भी ठंड क्या लू भी ठंडी लगती है। अरे वाह
मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम हाशिम खान जब आता है पेज पर मूड ख़राब कर देता है, ये जो है ना इससे बहुत सारे मैसेजेस जो है वो ज़ाया होते हैं। हाँ बिल्कुल जी, हाशिम खान से हम कहेंगे भाई आपने दो चार स्टिकर भेज दें, काफ़ी हैं, इतने सारे स्टिकर्स की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर स्क्रॉल हो जाते हैं और फिर हम पढ़ नहीं पाते उसको। तो प्लीज़ अगर अब आपने जो है वो मैसेज अब आपने स्टिकर भेजे, क्योंकि आप कुछ लिख तो रहे नहीं हैं, तो फिर मैं आपको बैन कर दूँगी सीधा सीधा, मैं इंतज़ार नहीं करती। सो अभी क्या टाइम है, ये आपके पास लास्ट वार्निंग थी, ठीक है, हाशिम खान या हाशिम खान जो भी आपका नाम है। सो ओके, मसूद अहमद साहब एहतजाजन मैं जो ना अल्लाह हाफिज़ कह रहा हूँ, लोग किसी और की वजह से आप क्यों अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं? मसूद अहमद साहब आप किसी और की वजह से अपना फैसला नहीं बदला करें भाई, देखें जो आपने काम करना है करें, किसी और की वजह से कभी अपने आप को ना बदलें, ठीक है? अगर आप सही काम कर रहे हैं तो फिर आपको बदलना नहीं चाहिए, राइट। साथ साथ यासिन कहते लो अब चुप चुप लोगों की कॉल आएगी। शौकत जान कहते हैं आप ही आज की दुनिया में अकलमंद कोई नहीं है, सब इंजीनियर हैं आपकी तरह। मैं कहां से इंजीनियर हूं। साथ साथ एम एजाज नहीं मलिक एजाज हैं, कहते हैं कि वी आर मिस आर होम इन इस्लामाबाद। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ राहिद खान कहते हैं जो पीठ पीछे बात करे उसे गीबत कहते हैं। अच्छा बता दिया, जो मैं बात कर चुकी हूँ वो बात करके कोई फायदा नहीं बेटा। सनोबर खान से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है लड़की, कैसी हो? हैंड फ्री जरा हटा लो बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे, जल्दी फटाफट। तो तुम्हारी आवाज ही नहीं आती लड़की, सबकी आवाज आ रही होती है। अच्छा बताओ कैसी हो, ठीक हो, खैरियत से हो? जी ठीक हूँ। हाँ जबरदस्त, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, मौसम तो हसीन तरीन है, दिल का मौसम ठीक नहीं है। किसके दिल का? तुम्हारे दिल का मौसम ठीक नहीं है, क्यों, क्या हो गया लड़की? दिल खफा है यार। कौन खफा है? दिल खफा है। तुम्हारा दिल क्यों खफा है? तो रहने दे। अच्छा टॉपिक अच्छा ठीक है, चलो तंग नहीं करते, बताओ। हाँ टॉपिक ये है कि भाई अकलमंद कौन है आजकल? आजकल अकलमंद वही है जो वक्त से पहले काम अच्छा करे, वक्त से पहले अच्छा काम करे, जो काम करके बाद में पछता रहे। सही बात है, वो भी अकलमंद है जो खामोशी और सब्र इख्तियार कर रहे। क्या बात है, लड़की बड़ी काम की बात कर रही है आज से तुम है, बाकी में तुम्हारा दिल नाराज है, आज दिल खफा है। यार तो इसका क्या मतलब, मैं रोज फनी फनी बातें करके मेरे को कोई अच्छी बात नहीं आएगी क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं आएगी अच्छी बात भाई, हेलो बहुत आती है यार, बिल्कुल ऐसे ही हमें यकीन है, पक्का यकीन है, पक्का यकीन है तुम्हें अच्छी बातें आती है। अच्छा सही बात है, फरहाना की तरह कोई हो भी नहीं सकता, फरहाना सिर्फ एक ही पीछे दुनिया में। इतना मेकअप कर दिया है, इतना मेकअप कर रही है यार, इतना मेकअप करने की क्या जरूरत है आपको? इतना मेकअप मैं कहाँ इतना मेकअप करती हूँ यार, सिर्फ बीबी क्रीम लगा के आती हूँ। नहीं भाई इतना मेकअप नहीं होता, वो उस दिन ना अपलोड नहीं की थी फेसबुक पे। कौन सी वाली? वेनसडे वाली फेसबुक पर अपलोड की थी मैंने। नहीं आई फेसबुक पर मैंने कौन सी अपलोड की पिक्चर? नहीं पिक्चर नहीं, ये शो जो रिकॉर्डेड होती है ना। हाँ फेसबुक की रहती है, लेकिन वेनसडे वाली नहीं थी। वेनसडे वाली नहीं थी? नहीं। अच्छा तो हाँ वो डिलीट हो गया था ना शो। अच्छा हाँ वो यूट्यूब पर है वो। आदमी आ गया फरहाना, उस आदमी और उसके साथ फरहाना नाम लिखा, तो वीडियो थी तो तुम्हारे मुंह में खाक लड़की।
नहीं भाई अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी बद्दुआएं नहीं देते, देखो ऐसी मजाक में भी बातें नहीं क्या करो ऐसी। अच्छा ठीक हो गया, और बताओ। और वो कसूर सर इतना था, हाँ मैंने फरमाइश की, हाँ बस फरमाइश की, मैंने फरमाइश की। अच्छा फरमाइश पूरी नहीं हुई लग रहा है तुम्हारी? ना ना, तो पूरी हुई है क्या? सही बात है, चली है ना 7 महीने बाद आपको, चली है ना आप 7 महीने, आप 7 महीने बाद आपको, हाँ क्या पहचान लिया, लिया ना मेरी फरमाइश पूरी नहीं, अब लोगों की कैसी फरमाइश, कौन सी फरमाइश थी तुम्हारी ये तो बताओ। नहीं मैं 3 दफा फरमाइश की है, मुझे तो याद ही नहीं है, मुझे नहीं याद है भाई, 7 महीने बाद मुझे कहाँ से याद रहेगा, और नहीं तो याद रहेगा। लोग देखो रो रो के सारी फरमाइशें ताजी ताजी कर रहे हैं, अपनी पुरानी फरमाइशों को नया कर रहे हैं, वो तुम नहीं बता सकती कौन सी तुम्हारी फरमाइश थी, बता दो। तुम पहाड़ों की कसम, वो है ना तुम्हारी, क्या है वो, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम्हारी तो वही फरमाइश थी सिर्फ, है ना? अच्छा जी, वो मैंने की नहीं। फिर कौन सी थी बताओ? नहीं मैंने सिर्फ की थी, अब मैं दोबारा नहीं करूंगी, बस पता नहीं भाई, तीन दफा मैंने फरमाइश। अब चलो नाराज, अब इस बात पे नाराज हो तुम? और नहीं तो क्या, चलो सही है। सही है भाई, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, बता दिया करो भाई, देखो मैं भूल जाती हूँ, मैं बहुत भुलक्कड़ इंसान हूँ, तो मुझे याद दिला दिया करो, सही है? हाँ अपने काम भी भूल जाती हूँ मैं भूल जाती हूँ, सही है? चलो ठीक हो गया, आगे बोले और फरमाइश करती नहीं हूँ, चलो भूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी फरमाइश करोगी? करती भी नहीं हूँ, अभी छोड़े फरमाइश। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखना, सही है? चलो फिर बात होगी इंशाल्लाह, सही है? खुश रहो, सलामत रहो। को शामिल करते हैं, चलें जी गाना ना बैकग्राउंड पे चलने दे, ये प्ले हो गया था तो अब चलें जी, खैर कोई नहीं, और साथ साथ अच्छा जी सैयद अशफाक शाह कहते हैं कि सलाम, कैसी हूँ? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। मोहसिन लियाकत कहते हैं टॉपिक पर, अकलमंद वो है कि जो सामने वाले को अकलमंद समझे। आजकल तो लोग सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं। चलें एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ, नाम बताइएगा और थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज आ रही किसी कुएं से। हेलो जी, जी मैडम जी, नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। मोहम्मद अहमद, आपसे पहली बार बात हो रही है? नहीं मैडम, पहला भी बात करता हूँ। पहले बात करते हैं तो फिर आप जो है मंडे को कॉल कीजिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया। बिना नी दिल रजदा मोहल्ले बिचों कुछ ना करूं। ओके ठीक है, यासर नहीं कहते हैं, वाह अरे वाह आंटी, इससे कहते हैं दिल का मौसम अच्छा होना। ओके आवेद अमीर कहते हैं हाय, आज फर्स्ट टाइम एनी लिया साहबा खुल के हंसी है, खुल के आई है फरहाना, मजा आया। साथ साथ नथी राम सौदा, बहुत शुक्रिया मसूद अहमद, सब कहते हैं यानी मैम मैं पहले से था कि आपको सुनकर बाहर बाहर निखार सवार सब कुछ आ गया। नहीं वो कह रही है पहले से ये, वो माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है। मोहम्मद मीरान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कहते हैं जबरदस्त प्रोग्राम है और कोयल जैसी आवाज है, कोयल जैसी आवाज है सच्ची में। अबू फातिमा कहते हैं कि अकलमंद वो है जो चाय को ठंडी करके पिए पीते हैं और बोतल को गर्म करके। और साथ साथ रांझा जी कहते हैं आपा जी बैकग्राउंड अच्छा है एलन वॉकर का, वाओ इट्स सुपर। सैयद इशफाक शाह, बहुत शुक्रिया। साथ साथ यासर नेम कहते हैं कि गलत बात है, सिस्टर ने कहा है तो आपने वेलकम करा है, बस कर दो। साथ साथ फिजा फाइज अहमद कहते हैं कि सलाम मैम, हाउ आर यू, वेरी वेल, कहते हैं योर वॉइस इज वेरी क्यूट क्यूट सच्ची में, कहते हैं एंड प्रोग्राम इज वेरी फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, हमें सुनते हैं डेंटल कॉलेज लाहौर से, क्या बात है। जिया अच्छा जी जिया नहीं है, फयाज हैं, फाइज हैं, क्या है यार। साथ साथ सैयद अशफाक शाह कहते हैं माशाल्लाह आपकी वॉइस वेरी नाइस है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासर नेम कहते हैं मसूद अंकल तुसी ना जाओ, तुसी क्यों जा रहे हो। सलमान खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, शो नाइस है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। मलिक एजाज जवान कहते हैं नॉट इन इस्लामाबाद, सो वेयर।
कहते हैं वी आर इन कराची. ओके सो यू आर मिसिंग योर होम इन इस्लामाबाद. ओके दैट्स ग्रेट. मुना खान कहते हैं इंतहाई काबिल एहतराम फरहाना सलाम, आपकी बेहतरीन सेहत के लिए दुआ को आपका खैर अंदेश रूहुल कमर मुन्ना. बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच. मलिक एजाज जवान कहते हैं कि मिसिंग आवर होम, बिल्कुल जी आपने बताया. एम पनाह गबोल, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. यासिन कहते हैं ये हुई ना बात मसूद अंकल, आई लव यू. जबरदस्त हो गया. साथ साथ मलिक एजाज अवान कहते हैं थैंक यू सो मच, आपने हमारे टेक्स्ट रीड किए, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. भी हम तो बैठे ही इसलिए आपकी जो है वो आपके कॉमेंट्स रीड करने के लिए. कहते हैं कि आपकी वॉइस जो है वो बहुत अच्छी है. चलें जी, बहुत शुक्रिया. राहिद खान कहते हैं मैसेज पूरा नहीं पढ़ा, अगर पढ़ लेती तो आपकी गलत फहमी दूर हो सकती थी. पढ़ लिया मैंने पूरा मैसेज बेटा. मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम वैसे रहने दें भाई, रहने क्या रहने दें भाई, एक दिन का टॉपिक होना चाहिए, रहने दें भाई. ओके मोहम्मद उस्मान शकील, वालेकुम अस्सलाम, नाइस शो कहते हैं, थैंक यू सो मच. चले मैं एक लास्ट कॉलर, मे बी लास्ट कॉलर, देखते हैं, डिपेंड्स ऑन माई मूड. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है लड़की, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. आवाज तुम्हारी ऐसी क्यों आ रही है बड़ी शाजिया? मैं सॉरी. लड़की सो जाती है मेरे शो में, मैं क्यों, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा. लड़की मेरा शो सुनते सुनते सो जाती है, पता नहीं कैसे उसकी आंख खुलती है तो कॉल करती है. मुझे भी सारे लग हुई है. अच्छा चलो और बताओ कैसी हो लड़की, ठीक हो, खैरियत से हो? सब ठीक है. बस मुझे ना आपके शो सुनते रहने में यार जबी तो सही है. पता है क्या मेरा शो सुनना होता है ना सुबह, तो जहाँ कहीं भी जाओ ना जल्दी 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 आ जाए करो वापस. पता है क्या मजे की बात ये, तो ताकि फिर तुम्हें शो सुबह मिस नहीं करना पड़े, या तो नींद ना आए, ताकि रात में ना जल्दी सो जाओ. जाकर अपनी अपने चक्कर में लड़की जो है ना सारे काम जल्दी जल्दी करवाएगी. हाँ बताओ. हेलो, कॉल ड्रॉप हो चुकी है. और पहले ड्रॉप हो गई क्या, 4 मिनट हो गए थे क्या, इतनी जल्दी तो नहीं हुए होंगे. अल्ताफ हुसैन शेर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल, थैंक यू सो मच. भूल जे भवान कहते हैं तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हशाम खान कहते हैं गुड मॉर्निंग वाइब्स, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. नथी राम सौदा कहते हैं कि ओके कहते हैं कि भूल जे भवान आपके कॉलर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल जी ऐसे ही. शमशाद खरल बहुत शुक्रिया. जुमा मुबारक कहते हैं. मोहम्मद सलीम बहुत शुक्रिया, हाय कहते हैं. और शमशाद को शो हमारा पसंद आ रहा है. अबू फातिमा कहती हैं कि माय फियांसे इज आल्सो लिसनिंग टू यू, लेट हर सिंग बिस्मिल्लाह करम प्लीज प्लीज प्लीज. हैं अच्छा ठीक है. मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि अभी कल हमारी बहन मारा का जन्मदिन था और हमें मालूम नहीं था कि आज विश करने मेरी तरफ से बहुत सी दुआएं अमारा को. हैप्पी बर्थडे टू यू अमारा, मे यू हैव मेनी मेनी मोर. अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा खुश रखे, बहुत ज़्यादा खुशियां दिखाए आपको, माँ बाप का आपको जो है ना माँ बाप का फ़ख्र बनाए, और बहुत ज़्यादा खुश रहिए, कामयाब रहिए. अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी देता फरमाए, आमीन सुम आमीन. बहुत शुक्रिया. ठीक है अमारा, अगर तुम सुन रही हो लड़की तो तुम तक पहुंच जाएगी आवाज़. यहाँ से नहीं कहते नबील शौकत अली वो सिंगर है जो इंडिया में हिमेश की टीम को ढेर करके पाकिस्तान आया, जो बात है. सियासत आबिद भी कहते हैं कि अकलमंद वो है जो बांट के खाए, इतना मज़ा आता है, बाकी तो सब रह जाना है फरी. बिल्कुल ऐसे ही है, शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी. देखते हैं कॉलर हमारे साथ कौन है लाइन पर. अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल ठीक ठाक हो जी, नाम बताइएगा अपना. हाशिम खान काकड़ जी, आपसे पहली बार बात हो रही है. उर्दू में बात कीजिए, मुझे कोई और जबान समझ नहीं आएगी. हेलो सॉरी, मैं आपसे ऐसे बात नहीं कर सकती क्योंकि अगर आप उर्दू बोलेंगे तो ही मैं आपसे बात कर पाऊंगी. आई डोंट नो यू नो आप कौन, मेरे ख्याल से पश्तो बोल रहे थे, पश्तो थोड़ी ना आती है. साथ साथ मदर हुसैन कहते हैं सलाम वालेकुम बाजी, मैं आपसे पहले भी क्या, अच्छा जी ठीक हो गया, ठीक हो गया. अच्छा पंजाब में आप होते हैं, अच्छा तो फिर तो ये बड़ा मसला हो जाएगा यार. अबू फातिमा ने लिखा है कि हाउ मेनी डेज अ वीक इज योर शो. ओ भी बसों ने विचों कूज
अच्छा जी, हमारा शो जो है, मेरा शो पूरे 5 दिन होता है, सही है? मैं हंसी किसी और बात में हूँ, मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है ना, क्या करूँ। अच्छा जी, हमारा शो जो है वो 5 दिन होता है, पीर से लेकर जुमे तक, 9 बजे से लेकर सुबह 11 बजे आप हमें सुन सकते हैं, पूरे 5 दिन, सुबह 9 से 11, 2 घंटे रोजाना। वाह वाह, क्या बात है। रांझा जी कहते हैं टॉपिक पर, द मैन हु प्रेज 5 टाइम्स अ डे एंड फियर इज अल्लाह इज वाइज। हाँ, फिर अल्लाह का खौफ होगा तो फिर वो तमाम काम अच्छे अच्छे करेगा। मैम, दिल की दहलीज पे चाहत का फहराना है, क्या है ये? अब मैम आप बताएं कि करना है क्या करना है, क्योंकि आपके बताए आइडिया पे हम सारे काम करते हैं। सच्ची में याचना कहते हैं कि ये या अल्लाह, अभी मैं अंग्रेजी मैडम की रूह आ गई है। अभी मैं अंग्रेजी मैडम की रूह आ गई, मैंने कौन सी इंग्लिश बोली? सांची सांची कहते हैं अभी आपने मैसेज नहीं पढ़ा, दोबारा कर दो भाई। आबिद अमीर कहते हैं यासर बड़ा आदमी बन गए, बन के हमें भूल ना जाना। कितने बड़े आदमी बनोगे, 60 फुट के, 70 फुट के, ने बता दो। शाहिद खान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ मलिक एजाज जवान कहते हैं, सिस्टर आपने क्या समझ लिया, हम शरीफ बच्चे हैं इस्लामाबाद वाले। मैंने क्या बोला है भाई, क्या हो गया भाई? मैं कुछ नहीं समझती भाई, जो समझ रहे हैं तुम लोग समझो। यासर नहीं कहते हैं कि हमारी नींद उड़ जाती है और शाजिया सिस्टर को नींद आ जाती है, देखो लड़की। शाहिद खान कहते हैं इस्लामिक अच्छा जी। फूल से भवन कहते हैं कि शाजिया काफी दिनों से बीमार हैं, अपना ख्याल रखें। शाजिया बिल्कुल ठीक हैं, बीमार नहीं हैं। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं शाजिया को अल्लाह सलामत रखे, यही तो है मेगरा मैम के शो के लेजी लिसनर। शाहिद खान कहते हैं कि कौन सा सॉन्ग है, वाजिद अली बगदादी का गाना, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आया। साथ साथ अफजल भुट्टा, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग कहते हैं। साची साची अस्सलाम वालेकुम, आप भी गुड मॉर्निंग जी। आज तो मैडम का मूड बहुत अच्छा है, आज तो बस शो सुन के हंस रही हैं, बोल रही हैं कि मैडम सुन लो शो और हंसो जोर जोर से। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया भाई, आपकी मैडम को सलाम है। अली रजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है सबके, अरे आप आ गए। शादी हो गई क्या, आप इतने दिनों से गायब थे। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह सुबह ग्रेट आरजे सैयदा फरहाना अली, क्या हाल है आपके, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगी। बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है, बिल्कुल हम एकदम जबरदस्त हैं। आप बताइए, मुझे लगता है आपकी शादी हो गई इटली में। आप तो मेरे कहते हैं वाओ पीजीएम ट्रैक, आई लव चेंज, दिस इज नॉट द बीजीएम, इट्स आपने पीजीएम लिखा है, लेकिन पीजीएम नहीं होता, वो बीजीएम होता है, और बीजीएम ट्रैक ये नहीं है, ये तो चल गया था तो मैंने कहा चलो चलने दो। सासत मालिक के जहाँ जवान कहते हैं सनोवर बच्चा खान नाम तो रीड करो एक बार, वो वेट कर रहा है अपना नाम सुनने को आपकी वॉइस में। अच्छा, पढ़ तो लिया सनोबर बाचा खान, बाचा खान होगा शायद। साथ साथ मदर हुसैन, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ फूल से भगवान कहते हैं हुमैरा के लिए भी दुआएं चल रही हैं, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। शाहिद खान कहते हैं कि विजय मलिया, क्यों कौन सी जबान लिख रहे हो भाई, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मसूद अहमद साहब कहते हैं अरे हमारा का जन्मदिन था, इतना खुफिया क्यों, कल था, हमें तो आज पता चला, तो हमने आज विश कर दिया, बट इट वॉज बिलेटेड बर्थडे, बट हमने जो है ना ऐसे विश किया जैसे आज ही है। मोहम्मद शहजाद कहते हैं मसूद अंकल मुझे भी ना शाम में पता लगा, ओके। साथ साथ नथी राम सौदा कहते हैं जो लिसनर सरगोधा से सुनते हैं उनको मेरी तरफ से नमस्ते। आपको कैसे पता चला, आपको किसी ने बताया? अली रजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक, हैव अ लश पश डे। इटली के गर्म गर्म फिजा आपको सलाम कहती है, अरे इटली में गर्मी हो गई, कहते हैं सलाम कबूल करें, काफी दिनों के बाद आया हूँ, पहले तो आप पे पेनल्टी लगी कि आप कहाँ गायब थे। अल्ताफ हुसैन शेख कहते हैं कि मेरा बर्थडे है 14th of July, सो ओके ठीक हो गया, कितनी बार बताओगे भाई, आपका स्टार कैंसर है, बता तो दिया था मैंने, कल बताया था परसों बताया था। अफजल भुट्टा बहुत शुक्रिया कहते हैं कि अफजल नहीं, ओ सॉरी अफजाल, अफजाल है, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। आवेदन मेरे कहते हैं अच्छी बात, में से कभी भी नमाजी के सामने से नहीं गुजरना चाहिए जब वो नमाज पढ़ रहे हों जुम्मे के दिन, या बहुत ये बहुत होता है रिवायत में है, अगर रिवायत आप शेयर कर रहे हैं तो रेफरेंस चाहिए मुझे। आबिद अमीर बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, लेकिन रिवायत अगर आप कोई भी रिवायत शेयर करेंगे तो रेफरेंस के बगैर मैं कोई रिवायत यहाँ पे नहीं पढ़ूंगी, ठीक हो गया। साथ साथ साँची साँची कहते हैं अभी आज मैडम ने ऑफिस की छुट्टी की है, बोल रही हैं कि चांद आज मौसम बहुत अच्छा है, चांद
तो सीवीओ चलते हैं अभी, मैं अभी सीवीओ जा रहा हूँ, मैं क्यों आऊँ भाई हैं। साथ साथ फूल से भगवान कहते हैं आज अगर सज्जाद अली का सॉन्ग रावी चलाती हूँ और क्या है हुमैरा को डेडिकेट कर दीजिए, क्यों हुमैरा कहीं बाहर प्रदेश में रहती हैं जो हुमैरा को हम रावी डेडिकेट करें, हम हुमैरा को अच्छा सा गाना डेडिकेट करेंगे, ये रावी क्यों डेडिकेट करवा रहे हैं। अब मालिक एजाज आवान कहते हैं अजीब ठंडक सी है उसके नरम लहजे में, लव्ज लव्ज शबनम है बात बात प्यारी, क्या बात है। साथ साथ अली रजा कहते हैं शादी पाकिस्तान में ही होगी जब होगी। कहते हैं शादी आप लोगों को इन्वाइट करूँगा, शादी में आप लोगों को इन्वाइट करूँगा, वैसे मैं कल आया था आप राबे की शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा चले मैं एक मजीद कॉलर को शामिल करती हूँ, कॉल ना बहुत देर से आ रही, देखते हैं कौन है व्हाट्सएप लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वाले मेरे मिजाज एकदम से, आप बताइए आपके मिजाज कैसे हैं, आप कैसी हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, सब खैरियत से सबको। आमीन मैं पूरा महीना ही बर्थडे का है। हाँ, सही है। तो और अम्मा को भी बहुत बहुत बर्थडे का बाय। और आपने क्या हाल है? जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, सब जबरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी चार चांद लगा दें शो में आके। जुम्मा मुबारक हो, बहुत बहुत खैर मुबारक जी। और नहीं अभी तो है टाइम, अभी तो एक मिनट हुआ है, अभी तो दो मिनट, दो तीन मिनट है ना, तीन मिनट। अच्छा तीन मिनट, हाँ हम चले पूरा पूरा हिसाब कर दे चार मिनट का। नहीं नहीं वो जो ना वो ड्रॉप खुद ही हो जाती कॉल, क्या करें। सलाम इतना लंबा करते हैं कि चार मिनट निकल जाते हैं। मजाक कर रही हूँ भाई, हमारी अपनी बातें इतनी सारी ना, क्या करें, हमारी तो बातें शुरू हो जाती हैं खत्म ही नहीं होती हैं, फिर पता ही नहीं चलता चार मिनट हो या वो चालीस मिनट हो। सही बात है, चार मिनट हमारे लिए तो बहुत कम है, बहुत कम है, अच्छा है कि कॉलेज आ रहे हैं, मजा आ रहा है ना, सबको मौका मिल रहा है। अच्छा जी, मगर बहुत अच्छा, मगर कॉलेज जो है हमारे जो बड़े वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगे हैं, माशाल्लाह बहुत मजा आता है मुझे तो। बिल्कुल सारी माशाल्लाह बड़े बड़े सारे सिंगर भी सारे बड़े आ गए हैं। हाँ, सब सिंगर, सब सिंगर बन जाएंगे मेरे शो में, सब सिंगर बन गए, सिंगर वाला शो होगा, सब सिंगर, सब सिंगिंग करने लगे और बड़े मजा आता है मुझे तो। हाँ नहीं माशाल्लाह सबके वाले बड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मौसम बहुत हसीन है, बहुत हसीन हसीन तरीन है, कहीं जाने का मौसम है बस, बस जरा कुछ अच्छे वो सुना है, और ही हालात बड़े खराब है, वहाँ की रोड बहुत खराब है। जी जी ऐसे ही है। हाँ तो इसलिए नहीं जा सकते ना, तो इस वजह से वो खैर हम मैं तो यही कहूंगी कि बस सब खुशियाँ बांटें और सब खुश रहें। बिल्कुल बिल्कुल। टॉपिक पे तो मैं क्या कहूँ, टॉपिक को बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बाकी सही बात है, हमारी तो फिर शुरू हो जाएगी ना, फिर बहुत लंबी कर देते हैं हम। बहुत लंबी आपने ऐसे कहा। हम 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 मैं भी शामिल हूँ ना, क्योंकि मैं भी तो इतनी बातें करती हूँ ना आपके साथ, ये बात है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं ना, मैं किसी और, मैं मुझे लगता है मैं अपनी दोस्त से बहुत, जरूरी नहीं है दोस्त, हम उम्र सही बात है, ऐसे ही है, छोटे उम्र के भी दोस्त दोस्त होते हैं, बस माइंड मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही आपकी और मेरी आदत है, जिस तरह मिलती है मेरी जो और आपकी जो पसंद है उस हिसाब से। बिल्कुल हम अच्छे फ्रेंड ही। बहुत ख्याल रखिएगा और सबको बहुत वापस से सबको बहुत दुआएं, बहुत शुक्रिया, और प्लीज सब जुम्मे का दिन है जरा स्पेशल सब दुआ सबके लिए करें, जरूर जरूर। और मैं मसूद साहब से कहूंगी प्लीज प्लीज बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको हज या उम्र, हज और उम्र अता करे बार बार, आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हां बस बहुत एक बस कोरोना ने जो ना सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है, बस बस बस, वरना तो बस ये वबा चली जाए। हाँ इंशाल्लाह,
हाँ तो लगे शुक्र है, वैसे तो पहले तो बहुत अच्छा था, मगर अभी अल्लाह करे और अच्छा हो जाए बिल्कुल इंशाल्लाह, और हम लोग जल्दी जल्दी अल्लाह ताला बुलाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा भी, और आपके लिए स्पेशल दुआ अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छा करे, आमीन जज़ाकअल्लाह, जो सोचे वो सब काम हो जाए, आमीन जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, सलामत रहिए, हाफिज़ हाफिज़। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। मिसेस फारूक आती है ना, वाकई में टाइम पता नहीं चलता, इतनी सारी बातें, और मुझे भी जो है ना, मेरी भी बातें निकलती चल जाती हैं इधर की उधर की बातें, और फिर बातें ही बातें बातें बातें, तो सही काम है, 4 मिनट तो हम लोगों के लिए बहुत कम है, 40 मिनट भी कम है। ऐसे ही होता है जब दो लोग एक जहन के होते हैं, तो फिर बातें करते करते पता ही नहीं चलता कैसे वक्त गुजर जाता है, राइट। अली रजा कहते हैं अच्छा बिल्कुल जी, ये कमेंट मैंने आपका पढ़ा, साथ साथ यासिन कहते हैं बड़े लोग नहीं हम, छोटे लोग ही ठीक हैं। आबिद अमीर कहते हैं कि मसूद अहमद सर जी जिस शो में होते हैं मुझे वहाँ बड़ा मजा आता है। और कौन कौन से शोज में होते हैं? अच्छा ठीक है भाई, बहुत सारे शोज में होते हैं, हम कौन सा, मैं फरहाना या अकेली एक शो करती है रेडियो इंडस्ट्री में, और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग शोज करते हैं। जुल्फ़िकार अली खास खेली बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपको शो पसंद आ रहा है, आपने कहा लॉज जवाब। आप इधर कहते हैं आज खाने में क्या होना चाहिए फरी, याद रहे जुम्मा है आज। मैं क्या बताऊं, वो तो इत्तेफाकन मैंने आपको बता दिया था बैंगन का भरता, तो आप क्या बैंगन का भरता बताते रहोगे क्या, मैं क्या पकाना है आज मुझे नहीं पता, ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा सांची सांची कहते हैं अभी चांद मेरा नाम है, हद है हद ही हो गई। मैंने ये तो कहा ये कौन है भाई, ये चांद, चांद नाम ही रख ले, ये सही है, किसी का दिल भी नहीं जाता वो चांद कहने का, वो भी कहता वो चांद। चले छोड़े जाने दे, कुछ और बात आ गई थी। कहते मैडम की फैमिली को लेके जा रहा हूँ, चले जबरदस्त हो गया। कहते 10 बार बता चुका हूँ, याद नहीं रहता, हमें भूल जाते हैं, हम क्या करें, 10 बार बता चुके हैं, अपना सांची सांची हटा के चांद लगा लो ना अपना नाम, चांद मियाँ, चांद चपाती। अच्छा जी, अली रजा कहते हैं इटली में वाकई गर्मी हो गई है, 35 या 40 टेम्परेचर चल रहा है, जिस जिसकी हैप्पी बर्थडे है उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम सच्ची 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 बताएं पिंकी मैम के साथ क्या क्या नाश्ते में खाया था, क्या क्या खाया था? कुछ भी नहीं चाहे हुमैरा ने, क्योंकि नाश्ता नहीं किया था, तो क्योंकि जल्दी आ गई थी, उनको कुछ काम था यहाँ, तो उन्होंने मंगाया था चाय पराठा, मैंने चाय पी थी बस, मैंने पराठा मैंने ज़्यादा नहीं खाया था क्योंकि मैं नाश्ता ऑलरेडी करके आई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा साथ दो बनाना खाओ मेरे साथ, मैंने कहा क्या हो गया, मैं नाश्ता करके आई हूँ, सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एट पराठा। और साथ साथ काशिफ मलिक, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अफजल भुट्टा, नहीं अफजाल भुट्टा सॉरी, कहते हैं आपकी वीडियो नजर नहीं आ रही है, नजर भी नहीं आएगी क्योंकि वीडियो आ ही नहीं रही, ऑडियो आ रही है। अली रजा कहते हैं अच्छा इसका मतलब है आगे जो परदेश में होते हैं उनके लिए सॉन्ग ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, अरे ये परदेशियों के लिए तो गाना है रावी सुना नहीं है क्या कभी। भूल से भगवान कहते हैं ये दुनिया गम तो देती है, शरीक गम नहीं होती, और किसी का किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती, जिससे मोहब्बत होती है वो खुद ही दूर जाता ही नहीं है मेरे ख्याल से। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं हाँ दुनिया से जाने वाले लोग, तो जाहिर सी बात है दुनिया से तो जाना ही है, वो एक अलग बात है, जहाँ मोहब्बत है लोगों को जोड़ देती है ना वहाँ पे फासले कम होते हैं, अगर फासले हो भी जाते तो फिर वो बहुत जल्द सिमट जाते हैं। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि ये नाजमाबाद वाली मैम दो दरिया के बहुत करीब रहती हैं क्या? हैं कहाँ नाजमाबाद, कहाँ दो दरिया? मसूद अहमद साहब आप जो है ना गूगल मैप पर जाइए, जाके पाकिस्तान का नक्शा देखिए। सही है, कहते हैं इंशाल्लाह अजीज। आप देखिए कहते हैं मिसेस शौकत की अम्मा की बर्थडे है, हैं ये कौन है मिसेस शौकत? कहते हैं उन्होंने कहा है कि वाओ हैप्पी बर्थडे है डॉक्टर साहबा की, वाओ हैं क्या हो गया? साथ गुलाम अकबर वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, कहते हैं इनबॉक्स प्लीज बेटा आईना देखो जाके। साथ नवीद अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? डेट ऑफ बर्थ है 15th of July, स्टार बताते हैं आपका स्टार कैंसर है भाई, क्या हो गया? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, सारे कैंसरियस निकल निकल के आ रहे हैं। अली रजा कहते हैं अगर एक कॉमेंट आप दो बार रीड कर लें तो कौन सा नो बॉल हो जाएगी, उसकी जगह अगर आपका कोई वो वाला कॉमेंट रीड कर लें जो नया है तो फिर ये कौन सा फिर आपका खसारा हो जाएगा, कौन सी आपकी वाइड हो जाएगी, है ना?
साथ साथ अली रजा कहते हैं आबिद अमीर आज आपको टिंडे मिलेंगे वो भी पके हुए। हाँ तो पके हुए टिंडे ही मिलेंगे, कच्चे टिंडे कौन खाता है। हाँ खैर हमारे यहाँ टिंडे कोई नहीं खाता, तो हमें नहीं पता कि टिंडे टिंडो का टेस्ट क्या होता है, क्योंकि हमारे घर में टिंडे कभी नहीं पकते। टिंडे टिंडे होते हैं, टिंडे होते हैं क्या होता है भाई, अब टिंडे हो या टिंडे हो जो भी हो व्हाटएवर। साथ साथ आबिद अमीर कहते पता है फरी में मेरे भी जो है ना डिम्पल पड़ता है, लोग कहते हैं कि अम्मी का लाडला होता है जिसके डिम्पल हो। अच्छा सही है। अली रजा कहते हैं अच्छा क्या याद दिलवा दिया, मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट करना है। अच्छा चले जाइए कीजिए ब्रेकफास्ट। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं सॉरी मिसेस फारूक लिखना था, गलती हो गई, सॉरी डॉक्टर साहब। ये शफकत कौन है, मिसेस शफकत कौन है ये आप बताएं पहले। अब देखिए आगे खैर नहीं है। साथ साथ सांची साची कह रही है आप ही मेरा नाम सुन के इतनी हंसी क्यों आ रही है बताओ। क्योंकि आपका नाम चांद है ना, चांद तो आसमान पे इसलिए हंसी आई। तो हंसना मना है क्या, हमने कहा है हंसना मना, यहाँ शो के ऊपर लिखा है हंसना मना। चलें जी इजाजत लेने का वक्त आ गया, लोग ही कहंदे ने राजा मैनू अज दा मोहल्ले विचों कुछ ना करी। चलें जी इजाजत लेते हैं आपसे, इंशाल्लाह मिलेंगे अब मंडे को। मेरी कोई बुरी लगी हो कोई बात, आई एम रियली सॉरी, मकसद कभी नहीं था। खासतौर पे जो खामोश लिसनर है, घुन्ने लिसनर है हमारे, जो गाड़ियों में सुन रहे होते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हुए, बाइक चलाते हुए, हैंड फ्री लगाकर सुन के लग दे दिन मेरे। क्योंकि अक्सर घुन्ने लोगों को टारगेट कर देती हूँ, घुन्ने हैं घुन्ने हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम लिसनर्स मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं तमाम लोग, बुरा कोई नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। सो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का पूरे हफ्ते मेरा साथ देने के लिए, मुझे इतना एनर्जेटिक रखने के लिए। और अगर तो कोई मेरी बात आप लोगों को बुरी लगी हो, गिरा गुजरी हो, तो मैं दिल से माजरत चाहती हूँ आप तमाम लोगों से। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मकबरा जरूर कीजिएगा। जुमे का दिन है, मुझे भी अपनी स्पेशल दुआओं में जरूर याद रखिएगा।